विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सत्ता बदल गई है और अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई है। इसके बाद पूर्व सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों का नवीनीकरण करने के लिए फरवरी 20 तारीख तक का समय निर्धारित किया गया था। इस तारीख तक सभी का राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं होता देख शासन ने इस तारीख को बढ़ाकर 25 फरवरी कर दिया है। अब तक जिन हितग्राहियों ने अपना राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके लिए अच्छी खबर यह है कि अब वह हितग्राही 25 फरवरी तक अपना राशन कार्ड नवीनीकरण करा सकते हैं। राशन कार्ड के नवीनीकरण को लेकर के नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है। हाल फिलहाल में स्कूली टीचरों के साथ एक कार्यशाला की गई, जिसमें उन्हें भी अपने विद्यार्थियों और उनके पालकों को राशन कार्ड नवीनीकरण कराने के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी अजय शुक्ला ने ACN न्यूज़ टीम को दी है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। राशन कार्ड नवीनीकरण का डेट बढ़ गया है। पहले अभी अभी वो 25 तारीख हो गया, 25 फरवरी लास्ट डेट है। तो राशन कार्ड नवीनीकरण सबको कराना अनिवार्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोकप्रिय चैनल है, इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि जितने भी BPL राशन कार्डधारी हैं वो तो नवीनीकरण करा रहे हैं। समस्या आ रही जो लोग APL राशन कार्डधारी हैं, APL राशन कार्डधारी लोग राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं करा रहे। अरे हमें क्या करना, हम क्या लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि आप मान लीजिए राशन नहीं ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आयुष्मान कार्ड तो है आपको। आयुष्मान कार्ड में, एक आयुष्मान कार्ड में 50,000 रुपये तक का छूट है। हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बना सकता है, वो छूट है। और शासन की बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता है। और मान लो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, बोले मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद जब दोबारा नवीनीकरण कराने जाओगे तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, उस समय आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। जितने लोग हैं इसमें, देखिए एक राशन कार्ड है पुराना वाला ना, जितने राशन कार्डधारी हैं सबको वहाँ जाना पड़ेगा, अंगूठा लगाना पड़ेगा। अंगूठा लगाने के बाद वहाँ पर पंजीयन कराना पड़ेगा, पूरी प्रक्रिया है। और तो और ऑफिस का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। तो इस सब से अगर बचना है तो आप क्या करें, अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण कराएं, अपने भी करें दूसरे से भी करवाएं। ये एक सच्चा, एक आदर्श जिम्मेदार नागरिक बने, ये मेरा आपसे अपील है। और सब लोग राशन कार्ड नवीनीकरण अवश्य। देखिए नगर निगम भिलाई द्वारा जो है लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। और साथ में हमारे सभागार में जैसे मीटिंग वगैरह हो रही है, जो बहुत सारी संस्थाओं के, अभी बहुत सारे स्कूल के मैडम लोगों की मीटिंग थी, तो उन लोगों के बीच में भी उनको मोटिवेट किया गया। क्योंकि एक मैडम जुड़ी रहती है, मैडम से छात्र जुड़ा रहता, छात्र से पूरा और लोग जुड़े रहते हैं। तो मैडम लोगों से अभी हमारे सभागार में मीटिंग हुई। माननीय आयुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय का निर्देश था कि अधिक से अधिक संख्या में प्रचार प्रसार किया जाए, इसीलिए नगर निगम के सभागार में एक मीटिंग आयोजित की गई स्कूल के टीचरों को, और उनको बताया गया कि जा करके आप खुद भी करें, लोगों को प्रेरित करें। ये काम हम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो हितग्राही इसके बाद भी वंचित रह जाएंगे, उन्हें काफ़ी लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इससे बेहतर है कि समय रहते अपने राशन कार्ड का नवीनीकरण करा लिया जाए, जिससे बाद में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।